मॉर्निंग, मेरा नाम है गौतम जादव और आप देख रहे हैं फ्लेज ब्लॉगर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सेव कैसे करें। सेविंग करना हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है जितना कि आपको अर्निंग करना। अर्निंग करने से ज़्यादा ज़रूरी है आप कितना सेव करते हैं पैसा को, आप किस तरह से पैसा को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा सेव करने में। पहला जो टिप्स है, आप ये कीजिए कि नेगोशिएट कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए। आप कोई सामान लेने जाते हैं, कम से कम 2 रुपया तक बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऐसा सामान जिसको बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप मान लीजिए जो चीज़ ऑलरेडी उसी लेवल पर चला आ रहा है वो तो बार्गेनिंग नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा सामान जो आप, बहुत सारे लोगों की ये आदत नहीं होती कि आप दुकानदार से बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं, आप बार्गेनिंग कीजिए, उनके साइकोलॉजी को समझिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप वहाँ से कुछ पैसा बचा सकते हैं। दूसरा, आपके पास पिग्गी बैंक होना बहुत ज़रूरी है। आप खुचरा पैसा लाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं और घर में रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो खुचरा पैसा लाएँ आप, उसको एक पिग्गी बैंक में डाल दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत सारे, एक महीने के अंत में आपको बहुत सारा पैसा देगा। और उस पैसा से, आपको मैं बता दूँ एक सीक्रेट है, उस पैसा से आप एक ऐसा शेयर को खरीदिए जो स्मॉल कैप है, मतलब बहुत ही छोटे लेवल, जिस शेयर की कीमत है 30 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, ऐसे शेयर खरीद लीजिए आप, जिससे मान लीजिए 1000 रुपया। आपने मान लीजिए अभी PNB को खरीद लिया, PNB का शेयर का दाम चल रहा है 32 रुपया, आप उसको छोड़ दीजिए। सोचिए कि वो 32 रुपया आपके 10 साल बाद कितना इफेक्ट पड़ सकता है। PNB सरकारी बैंक है, 32 रुपया कम से कम 500 रुपया तो जाएगा, एक शेयर आपका यदि उतना चला गया तो सोचिए कि 5 शेयर आप खरीद लिया तो कितना चला जाएगा। तो वे सारी चीज़ें, छोटा सा आइडिया आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, तो मे बी इट्स यूजफुल फॉर यू। और एक बहुत ही फैंटेस्टिक आपको मैं बता दूँ, स्टॉक रिटेल शॉपिंग। आपको देखिए, ये एक सिंपल साइकोलॉजी ट्रिक है कि स्टॉक रिटेल शॉपिंग, रिटेल शॉपिंग में मत कीजिए। कोई भी चीज़ आप शॉपिंग करते हैं तो रिटेल में ना करें, आप होलसेल में खरीद लीजिए, वैसी जगह पर जाइए। ऑटोमेटिकली यदि वो आप ज़्यादा सामान लेंगे तो वो 20 रुपया के जी देता है तो आपको 22 रुपया देगा, आप यहाँ पर आइए तो आपको 24 रुपया देना पड़ेगा, तो 2 रुपया बचत हुआ। यदि आप 5 के जी खरीद लिया तो आपको करीब 10 रुपये का बचत हो गया। छोटा छोटा अमाउंट ही आपको बड़ा बना सकता है, ये मानना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, यदि आपको इस 4-5 टिप्स यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो जरूर देखें।